नो, अभी अभी मैंने अपने किचन की सफाई की है, यहाँ पे मॉबिंग की है और मेरे घर आ गए हैं कुछ गेस्ट। एज यू कैन सी कि मेरा मॉब भी यहीं पे पड़ा हुआ है और अब मुझे इस गीले किचन को दोबारा से गंदा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर डेज विद योर लव्ड वन। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखिए। जितना से ज़्यादा हो सके दूसरों के लिए आसानी पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें। ये छोटा सा फंडा अगर आप ज़िंदगी का अपना लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। एनीवेज, अभी मामला ये हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने की किचन की सफाई और मेरे घर पे आ गए कुछ मेहमान, पर ओके नो प्रॉब्लम, मेहमान तो अल्लाह ताला की नेमत होती है। एनीवेज, तो अब मेरा फ्लोर जो है, बार बार मुझे आगे पीछे ना जाना पड़े इसलिए मैंने फ्रिज से एक ही दफ़ा सारा सामान निकाल लिया जो जो मुझे चाय के लिए चाहिए। साथ मैंने चाय के सोचा है कि मैं पकोड़े बना लेती हूँ, तो पकोड़ों के लिए मैंने फ्रिज वाली सारी चीज़ें एक दफ़ा निकाल ली हैं, दही वगैरह चटनी बनाने के लिए, ताकि मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े। मैं एक तरफ सारी चीज़ें जमा कर लेती हूँ और साथ ही मैंने निकाल लिया है अपना मोबाइल स्टैंड जिसकी मदद से मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। एनीवेज फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने चाय रखी। चाय में मेरी जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं इलायची पाउडर, या तो आप इलायची डाल लें खोल कर या फिर इलायची पाउडर डाल लें, अदरक और थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि मुझे शक्कर ब्राउन शुगर में यूज़ करती हूँ, दूसरी चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन थोड़ी सी डालती हूँ ज़्यादा कि उसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। और बस कोई भी जो आपकी लिप्टन की पत्ती होती है वो वाली ही। एनीवेज, साथ में मैंने फटाफट पकौड़ों का सामान तैयार कर लिया, क्योंकि फ्राइज जो थे आलू वो मेरे पास पहले ही फ्रीज हुए हुए होते हैं, फ्रोजन फ्राइज, तो वही डाल के मैं पकौड़े बना रही हूँ। और उन वाले फ्रोजन फ्राइज से पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ कुक होते हैं और वो थोड़े बड़े बड़े और बहुत मज़े की शेप में होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अलमराई वालों ने अपनी पैकिंग चेंज कर ली है भाई, और जो देखने में काफ़ी कूल लग रही है, मुझे तो अच्छी लगी। तो अब मैं साथ में पकौड़े बना रही थी, तो पकौड़े जो हैं वो चटनी के बगैर कुछ अधूरे अधूरे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से चटपट मज़ेदार किस्म की चटनी भी बना लूँ। तो यहाँ पे मेरी बन रही है चटनी एक तरफ, बन रहे हैं पकौड़े साथ में, बन रही है चाय। एक्चुअली मेरे पास और कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो मैं अपने गेस्ट को इस टाइम सर्व कर सकती, जैसे बिस्किट्स वगैरह, तो इसलिए फिर मेरे माइंड में यही आइडिया आया कि चलो पकौड़े बना लेती हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि अभी जो हमारे घर पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हैं उनको पकौड़े बहुत पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए लेट्स गिव देम अ ट्रीट। तो यहाँ पर मेरे मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े एज यू कैन सी, और साथ ही चाय। और एक चीज़ का मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ किचन में काम करते हुए, कि मेरे जो जो बर्तन साथ साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं मैं उनको साथ साथ वॉश कर दी जाऊँ, ताकि बाद में आपके पास ज़्यादा सारा गंद ना हो समेटने के लिए। यहाँ पे ये जो सुपरे मिलते हैं जिनको भी ऊपर में फैला कर नीचे इसी के ऊपर सारा कचरा जमा कर लेती हूँ, और बस एक ही दफ़ा उसको रैप करके बिन की नज़र डाल देती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी आसानी लगती है। ऑल दो मेरे जहन में अक्सर क्या हमेशा ये ख्याल आता है कि दीज सुफराज आर नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और वैसे भी पाकिस्तान में जैसे कि इस्लामाबाद में प्लास्टिक के कैरी बैग जो हैं वो बिल्कुल बैन कर दिए गए हैं पिंडी में भी। तो मुझे हमेशा होता है कि यार हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी मजबूरी है। और मेरे ख्याल से जितना प्लास्टिक सऊदीया में इस्तेमाल होता है दुनिया में शायद ही और कहीं होता हो, क्योंकि यहाँ पे तो ये सुफरे और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एनीवेज, ये देखिए किस कदर खूबसूरत कलर के गोल्डन गोल्डन से मेरे पकोड़े तले हैं मैंने, और क्या ही इनका टेस्ट था। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने इनको एक भी पकोड़ा चखा तक नहीं, मुझे नहीं पता कि इनका नमक मिर्च भी सही था या नहीं। एनीवेज, खाने वाले ही जाने, लेकिन जब वहाँ से बर्तन आए थे तो वो ट्रे बिल्कुल खाली थी, जिसका मतलब यही था कि वो पकोड़े अच्छे बने हुए थे। अगर अच्छे ना होते तो इस
तरह से प्लेट खाली होकर ना वापस आती। मेरे ख्याल से ये बनाने वाले का एक वो होता है, रिगार्ड होता है कि आप उसको बताओ कि खाना कैसा बना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती ना कि वो बताते नहीं हैं कि खाना अच्छा बना है या नहीं, लेकिन जो बनाने वाला होता है उसकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है जब उसको तारीफ़ सुनने को मिलती है। तो इसलिए खाने पकाने वाले की तारीफ़ करती रहना चाहिए। एनीवेज ये छोटा सा ब्लॉग लेकर आपके साथ आई थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने ट्रे निकाली और सेट कर दिया, सिर्फ सिंपल चटनी पकौड़े और चाय है जो मैं अपने मेहमानों को सर्व कर रही हूँ। ये जाने से पहले अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे दोबारा से अपने किचन की मोबिंग भी करनी पड़ेगी, जो कि मैं इस वीडियो को ऑफ करके डेफिनेटली करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, हैव फन, और जितना हो सके लोगों के लिए अच्छे काम करते रहें और ज़िंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। चाय को डालने से पहले चाय की फेंटी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक उसकी अच्छी सी फेंटी ना लगी हो चाय का टेस्ट नहीं आता। क्या आपको भी इस बात से एग्री करते हो या नहीं, अगर करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।